एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे थे। उन्हें धरती पर घूमने का विचार मन में आया। वैसे भी कई साल बीते वे धरती पर आए ही नहीं थे और अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। अपने स्वामी को तैयार होते देख लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा और फिर कहा कि एक शर्त है मेरी, तुम मेरे साथ अवश्य चल सकती हो, पर तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माँ लक्ष्मी ने हाँ कहकर सहमति दे दी। सुबह सुबह महालक्ष्मी और विष्णु जी धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी, चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और धरती को देखती नहीं। इसी में वह भूल गई कि अपने पति को क्या वचन देकर आई थी। चारों ओर देखती रही और कब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर देखा उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और वहां से बहुत ही भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी। सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ विष्णु जी के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि किसी से भी बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और साथ ही उनका दिया हुआ वचन भी उन्हें याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो अब भुगतनी ही पड़ेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह तो एक प्रकार की चोरी है। अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें आकर बैकुंठ वापस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी इस पर कुछ ना बोली और सर झुकाकर अपनी स्वीकृति दे दी। माँ लक्ष्मी ने एक साधारण गरीब औरत का रूप धारण किया और वह माधव के झोपड़े पर पहुंची। उस समय माधव उन्हें देखकर बोला कि तुम कौन हो और इस समय मेरे घर में क्या कर रही हो? माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है, तुम मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे घर का सारा काम करूँगी, बस मुझे अपने घर के एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरा तो अपना ही खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन मेरे पास 3 बेटियाँ हैं, अगर तुम मेरी चौथी बेटी बनकर रहना चाहो तो यहाँ रह सकती हो, बस मैं तुम्हें वही खिला पाऊँगा जो हम सूखा रूखा खाते हैं। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे ही दिन कुछ गजब हुआ और माधव के फूलों की इतनी आमदनी हुई कि शाम को ही उसने एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी जमीन, अच्छे कपड़े और एक पक्का घर भी बनवा लिया। उसने अपनी बेटियों और बीवी के लिए गहने भी मंगवा लिए और अब उनका बहुत ही बड़ा और सुंदर मकान था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है, बेटी के रूप में मेरी किस्मत चमक गई। लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर और खेत में सारे काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेत से वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के द्वार के सामने एक देवी पूरे गहनों में लदी
बहुत ही सुंदर लग रही थी और वहीं खड़ी थी। जब उसने उन्हें ध्यान से देखा तो उसने पहचाना कि ये तो वही हैं जो उसकी चौथी मुंह बोली बेटी हैं, और उसने अब तुरंत माँ लक्ष्मी को पहचान लिया। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब ने हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देखा। माधव बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, हमने अनजाने में आपसे अपने घर के और खेत के काम करवाए, ये कैसा अपराध हो गया मुझसे। वह बहुत ही हैरान हुआ और उन सब ने मिलकर माँ से माफ़ी मांगी। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे माधव, तुम तो बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की, धन की, दौलत की कमी न होगी, तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ अपने स्वामी द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ वापस चली गई।